हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी हलचल तेज है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, नया दायित्व भी मिला है, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी कुछ और भी चर्चा है। बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लग रहा था उसको लेकर कहा जा रहा था कि पहले से ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट थी, उनकी राजनीतिक मंशा। नहीं देखिए, ये स्पष्ट मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति परेशान होगा, सताया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं तो उसको सहयोग करना पड़ेगा ना। उसको छोड़ दें, हम उनको परेशान किया गया, उन पहलवानों को सड़कों पर पीटा गया, ये विनेश फोगट से लेकर साक्षी मलिक से लेकर ये बच्चियों को पुलिस ने किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी जहाँ पर भी अत्याचार अन्याय होगा वो खड़ी रहेगी। और कोई हमने कोई साजिश रची, ये जब आप किसी को प्रताड़ित करोगे, परेशान करोगे, तो स्वाभाविक वो अपनी जगह खोजेगा। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ आया, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये कोई साजिश नहीं। आपने परेशान किया, सताया, तो हमारे पास आए, उनके साथ खड़े हैं। ये तो कहीं पर भी राजनीतिक दल का कार्य है कि भाई कोई व्यक्ति के साथ, खासकर कांग्रेस। और जहाँ तक बच्चियों के साथ बात होगी, पहलवानों, विश्वविख्यात पहलवान है जिन्होंने हमको मेडल दिया, पहली बार साक्षी मलिक ने ओलंपिक के अंदर मेडल वो ले आई, अभी हमारी बिटिया फोगट भी लेकर आ रही थी, इसके साथ ही असली साजिश तो इसके साथ किया गया है ओलंपिक में। तो मैं समझता हूं कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, हम स्वागत करते हैं उनका। बुलडोजर काफ़ी सुर्खियों में है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके से बुलडोजर चलाने के पहले एक गाइडलाइन होनी चाहिए, किसी भी आरोपी के परिवार में बुलडोजर चलाना उचित नहीं। बुलडोजर की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि हम आएंगे तो गोरखपुर की तरफ। बुलडोजर ने कहा दिया ना कि बुलडोजर की प्रवृत्ति बंद हो, मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी ने कहा है वो खुले। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं अभ्यर्थियों से, आपको क्या लगता है अभी तक तस्वीरें कुछ स्पष्ट नहीं है, आगे क्या? मुझे लगता है केवल मिलने से नहीं, उनको काम दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराएं। एक अंतिम सवाल अजय जी, सपा एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप है कि कांग्रेस जहां मजबूत रहती है वहां पर वह सहयोगी दलों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, हरियाणा में सपा के साथ धोखा। नहीं, धोखा तो भारतीय जनता पार्टी करती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं की, हमारे कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं किया। भाजपा आप देख लीजिए जहाँ गई, बीजेपी के साथ जुड़ी उड़ीसा में, आप देख लो बीजेपी की स्थिति खराब कर दिया। आप देख सकते हो जहाँ ये अपने शिवसेना के साथ आई वहाँ असली नकली शिवसेना कर दिया, पूरी तरीके से शिवसेना सबसे पुराना पार्टनर था इनका, उसको साथ छोड़, मतलब ये बीजेपी का काम है, कांग्रेस पार्टी जिसके साथ रहती है उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी रहती है। विधानसभा में उन साथियों को भी साथ लेंगे अजय जी जो दूर चले गए थे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अभी से ही चर्चा है यूपी विधानसभा चुनाव का? नहीं, जो हमारे मानसिकता के लोग हैं, जो हमारे साथ मरने मिटने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अगर किसी कारण से घर बैठ गए, उनको ज़रूर हम अपने साथ जुड़ेंगे। पर जो लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिए, भाजपा के साथ चले गए, भाजपा का फटका पहन लिए, उनके लिए निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी में कहीं उनकी पूछ नहीं, उनके दरवाजे बंद हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की।